गाइस बाकी प्लेट आप देख सकते हैं। आज हम आए शादी में और तो गाइस मैं आई हूँ कल्चर शादी में। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और थोड़ी बहुत मैं जो ना ब्लॉगिंग करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कि हमारी शादी किस तरह से होती है। ये है वो जगह जहाँ पे आज शादी होने वाली है और मेरे साथ है मम्मी भाभी और बच्चे। अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइस पहले ही हम शादी में बहुत लेट पहुंच चुके थे और दूसरा ये कि सारे लोग जो है ना वो हमारे जानने वाले थे और वखी कल्चर के थे, तो फिर मुझसे ज़्यादा जो है ना व्लॉगिंग भी नहीं हो सकी क्योंकि मुझे फिर शर्म आ रही थी। तो मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैंने वीडियोज़ बनाए क्योंकि म्यूज़िक भी लगी हुई थी जिसकी वजह से कॉपी राइट आने के भी चांसेस थे, तो ज़्यादा मैं जो है ना वॉइस ओवर करूँगी। तो गाइस अभी हम आए बिल्कुल पीछे बैठने के लिए ताकि हम यहाँ पर सुकून से बैठें और यहाँ का जो माहौल है यहाँ पे लोग डांस शांस शुरू हो चुकी है और हम थोड़ा लेट आए हैं लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, जो भी करते हैं आपको शेयर करेंगे। म्यूजिक भी स्टार्ट होगी लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगी, तो सीन्स कुछ ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जितने भी लेडीज़ बैठी हैं उन्होंने बहुत ही कोई सिंपल ड्रेस पहनी हुई है, बहुत ही कैजुअल ड्रेस पहनी है, ना कोई चमचमाती ना कोई फैंसी ना कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रेस इन्होंने पहना है क्योंकि हमारे जो कल्चर है वो सिंप्लिसिटी को प्रमोट करती है। साथ में देख रहे हैं कि हमारे जो अंकल हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो जो है ना दूल्हे के साथ डांस कर रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल डांस इसी तरह होता है और मोस्टली शादी में होता ही यही डांस है। फीमेल्स डांस नहीं करती, सिर्फ मेल्स जो है ना वो डांस करते रहते हैं। तो गाइस वखी कल्चर की जो शादियां हैं वो तब मज़ा आती है जब वो गांव में होती है क्योंकि गांव में हम पूरा जो है ना कल्चर को फॉलो करते हैं, जैसे कि खाना भी हमारा कल्चर के थ्रू होती है, ड्रेसिंग भी हमारी कल्चर की तरह होती है। जैसे कि अब यहाँ पे शादी हुई है तो खाना भी हमारे यहाँ के साइड का हुआ है, ड्रेसिंग भी इसी साइड की हुई है, तो इतना ज़्यादा कल्चर इसमें नहीं है। तो ये अभी दूल्हा भाई डांस कर रहे हैं और इनका डांस जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था माशाल्लाह। दूल्हा भाई भी बहुत प्यारे लग रहे थे और हमारी जो दुल्हन है वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और मेरी मम्मा कह रही थी कि दोनों जो है ना वो हमारे रिश्तेदार होते हैं। अब मुझे डिटेल में नहीं पता किस तरह से हमारे रिश्तेदार हैं लेकिन हमारे बहुत ही कोई क्लोज रिश्तेदार हैं। तो फिर बस ये हमारी जो है ना डांस सेशन है, इसके बाद पिक्चर सेशन होगी, खाना खाएंगे और बस ये होगी हमारी जो है ना वेडिंग। दूल्हा दुल्हन इनकी फ़ोटोशूट चल रही थी तो मैंने सोचा यार मैं भी जाके इनकी थोड़ी सी पिक्चर वीडियोस बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर बोलना है और बताना है कि कैसी लग रही है हमारी दुल्हन। तो गाइस अभी खाना खुलने वाला है और खाना खाने लग गई और खाना हमारा बिल्कुल खुलने वाला है, तो क्या क्या वैराइटीज मिलती है हमें वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो आप लोगों ने वैसे बने रहना है। तो गाइस अभी हमारा खाना जो है ना वो खुल चुका है, भाभी की प्लेट आप अभी से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अभी मेरी बारी, मेरी खाली है। गाइस भाभी की प्लेट आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है, तो शर्म करो। तो मेरा प्लेट बिल्कुल खाली है और सारे अपना अपना फूड डाल रहे हैं तो मैंने भी डालना है। तो गाइस अभी अपना खाना मैंने डाल दिया है, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और यहाँ पर मम्मी लोग जो है ना वो खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ।
तो गाइज़ अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे खीर बहुत 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 पसंद है और शादी में मैं जाती सिर्फ इसीलिए हूँ कि मैं खीर खा सकूँ। तो गाइज़ खाना शाना हमने खा लिया, उसके बाद फ़ौरन ही फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गई। तो फिर मैं जब गई तो मेरी एक फेवरेट आंटी जी ने वहाँ पिक्चर्स ले रही थी अपनी फैमिली के साथ। फिर मैंने कहा इनको भी मैं व्लॉग में लेती हूँ क्योंकि वो मेरी व्लॉग्स डेली देखते हैं, इनका थैंक यू सो मच। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने पिक्चर लेनी थी, भाभी ने पिक्चर लेनी थी, सब ने पिक्चर्स ले ली। और उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यार थोड़ी सी कमी है इस, मतलब कमी इन अ सेंस कि वक़्त कल्चर की शादी में ना हम लोग मोस्टली एक टोपी पहनते हैं जो कि इनकी अम्मी या दादी जो अभी आने वाली है स्टेज पे, वाइट कलर की दुपट्टा पहनी हुई है जो ये आप देख सकते हैं, ये अभी आ रही है स्टेज पे, ये वाली जो दादी हैं तो इन्होंने जो टोपी पहनी है यही टोपी जो है वो ब्राइडल पहनती है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है उनकी जो लुक है वो डिफरेंट होती है, वो ट्रेडिशनल लगता है। तो अभी जो इनका लुक है वो बिल्कुल ही आप लोगों की जैसे ब्राइडल होती है वैसे ही है, जैसे कि पाकिस्तानी ब्राइडल होती है वैसे लग रही है। फिर ये आप देख सकते हैं ये सारे जो फीमेल है ये बैठ के उनकी पिक्चर्स ले रही हैं, उनको देख रही हैं, और बच्चे जो है वो बीच में डांस कर रही हैं। जोहा मुझे बोल रही थी कि मुझे भी डांस करनी है, डांस करनी है। तो मैंने कहा कि तुम भी चली जाओ, चली जाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो काफ़ी बोलने के बाद उसने हिम्मत कर ली क्योंकि उसको डांस इतना ख़ास नहीं आता, लेकिन उसने फिर कहा चलो मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने जोहा को भी भेज दी, जोहा भी यहाँ पर डांस कर रही है लड़कियों के साथ। तो बस यही डांस शांस, बच्चे डांस करते हैं, अंकल डांस करते हैं, लड़के डांस करते हैं, और हम जो फीमेल्स होते हैं हम जाते हैं बस पिक्चर्स लेते हैं। तो गाइस आज मेरी दोस्त मुझसे मिली है और ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, तो बोलो क्या बोलना चाहोगी। कर दूंगी, आप लोग ने जाके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय। इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना, बता रहा है तेरी तक दे जाऊं नी ना चुराइयां तू मेरी आंदा चुराइयां वे जी बोले है क्या मियां सुन ले चलो कैसा बढ़ती रहे। तो गाइस फाइनली शादी जो है वो इख्तिताम पे पहुंच गई है, अब दूल्हा दुल्हन सबसे एक एक करके मिल रही है, सबको अल्लाह हाफिज़ बोल रही है और सारे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन अपनी गाड़ी में बैठ के और उसकी जो भी फैमिली है वो अपनी गाड़ियों में बैठ के और हम सारे अपने अपनी गाड़ियों में बैठ के हम रवाना हो गए। तो ये थी हमारी वक्फ़ी कल्चर की शादी। तो गाइस बस हमारी रस्म कुछ इसी तरह से बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ ख़त्म हो गई। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।